तस्वीरों में ये अदाओं की हसीना और खूबसूरत बला है स्टॉर्मी डेनियल्स, अमेरिका की मशहूर पॉर्न स्टार। लेकिन इनका नाम अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ा जा रहा है। दरअसल बात ये है कि डोनाल्ड ट्रंप पर केस करने के चक्कर में अब खुद ही अपनी बिछाई हुई जाल में डेनियल्स फंस गई हैं। पूरी स्टोरी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे, तो दिल थाम कर बैठिएगा क्योंकि सुर्खियों से गायब रहने वाले ट्रंप अब सुर्खियों में फिर से पूरी दुनिया में छा गए हैं। दरअसल उन पर पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल को पैसे देकर चुप कराने और इलेक्शन कैंपेन के दौरान बिजनेस रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के केस दर्ज हैं। और खास बात यह है कि अमेरिका के अब तक के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व प्रेसिडेंट पर आपराधिक केस है। इस केस में आपको ये जानना जरूरी है कि ट्रंप पर कुल मिलाकर 34 केस हैं। ये सभी चार्ज 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को चुप रहने के लिए $1,30,000 करीब 1,07,00,000 रुपए देने से जुड़े हैं। अब इस मामले को लेकर मैनहेटन कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो इस दौरान वीडियोग्राफी पर पाबंदी लगाई गई थी। पॉर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने का मामला 2006 का है, तब डोनाल्ड ट्रंप एक रियल एस्टेट कारोबारी थे। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स तब 27 साल की थी और डोनाल्ड ट्रंप 60 साल के। जुलाई 2006 में एक गोल्फ टूर्नामेंट के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। बता दें कि इस मामले को लेकर कोर्ट में ट्रंप ने खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। मैनहेटन कोर्ट ने ट्रंप की जमानत या गिरफ्तारी पर कोई फैसला नहीं सुनाया। अगली सुनवाई फिलहाल 4 दिसंबर को होगी। बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अमेरिकी इतिहास में ऐसा कुछ होगा। मैंने एक ही अपराध किया है, वो है निडर होकर अपने देश को उन लोगों से बचाना जो उसे तबाह करना चाहते हैं। मेरे खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ट्रंप ने जज पर नफरत करने का आरोप लगाया और मीडिया से बातचीत में ट्रंप का ये कहना था कि सुनवाई ऐसे जज ने की है जो मुझसे नफरत किया करता है। जज की पत्नी और उसका पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है। जज की बेटी कमला हैरिस के लिए काम करती है और अब उसे बाइडेन हैरिस कैंपेन से पैसे मिल रहे हैं। इस केस में आपको ये भी बता दें कि मैनहेटन कोर्ट ने एक और मामले में पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को $1,21,000 के भुगतान करने के लिए आदेश दिया है। खास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साल 2016 के बाद राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी पेश करने की तैयारी कर रहे हैं और उधर जो बाइडेन ने ट्रंप के मामले को लेकर कुछ ना कुछ कहते हुए अपने आप को इस मुद्दे से ही दरकिनार कर लिया है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह इन सब के बीच 2024 का राष्ट्रपति चुनाव जीत पाएंगे या फिर से जो बाइडेन सब